नमस्कार, आप सभी का साहित्य के रंग शैलजा के संग में हार्दिक स्वागत। मैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के इस स्टूडियो में बैठी हूँ और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध साहित्यकार, संपादक और विश्व में भ्रमण करने वाले, विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को करवाने और उसमें उपस्थित होने वाले डॉक्टर आशीष कंधवे जी हमारे बीच हैं। तो हम लोगों की आज बातचीत होगी आशीष जी से। भारत आने का ये एक बहुत बड़ा सुख मिला है कि मुझे बहुत से साहित्यकारों से बातचीत मेरी हुई और आपसे भी बातचीत हुई। आपको मैं पहले भी जानती हूँ, आपकी पत्रिका निकलती है आधुनिक साहित्य यूके, ये आपके पास है, ये यूके से आप पत्रिका निकालते हैं, इसमें भी मेरी रचना आ चुकी है और इसका साथ साथ आप निकालते हैं आधुनिक साहित्य जो भारत से निकलती है। जी, जी, इसके अलावा आशीष जी आपने 5 काव्य संग्रह निकलिए हैं और आपने अनेक समीक्षात्मक जो आपकी पुस्तकें हैं वो भी आ चुकी हैं। अभी आपने मुझे दिखाया कि वाणी उत्सव, जो आपने नरेंद्र कोहली जी के व्याख्यानों पर जो आपने पुस्तक निकाली है वो भी आई है, और हिंदी का सामर्थ्य है, इसके अलावा भी आपने बहुत सी पुस्तकें लिखी है और विश्व भ्रमण किया है, सम्मेलन आदि किए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है आपसे कि आप आज की जो हिंदी कविता है, हिंदी का जो साहित्य है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो मैं कह रहा था कि आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है साहित्य के रंग शैलजा के संग, ऐसे ही मैंने एक सृज की शुरुआत की थी जिसमें साहित्य के रंग अजित कुमार के संग, रामदर्श मिश्र के संग, नरेंद्र कोहली के संग, पर जो मेरा पहला प्रयास था, जो सबसे पहले जिनके बारे में मैंने परिकल्पना की और काम को शुरू किया, वो अजित कुमार जी थे। अच्छा। लगभग अच्छा। हमने 250 पृष्ठ की एक ऐसी पुस्तक जिसमें अजित कुमार को 250 पेज में ही आप समझ पाएं, उनकी कुछ चुनिंदा कहानियां, कुछ कविताएं, कुछ अच्छा। आलोचनात्मक कुछ निबंध या फिर उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं जिसको वो समाज के सामने लाना चाहते हैं। तो ऐसा मैंने एक रंग साहित्यकार का एक पुस्तक में संकलित करने की सोची। अच्छा, पुस्तक थी, वो पुस्तक थी, ये पुस्तक अच्छा, के माध्यम अच्छा। से मैं लाना चाहता था। उस जमाने में यूट्यूब नहीं होगा। हाँ, यूट्यूब बिल्कुल नहीं था। जी। पर अनायास लगभग फाइनल प्रूफ रीडिंग चल रही थी उसी वक्त अजित कुमार जी हमें छोड़ के चले गए और वो फिर लंबी कहानी हुई कि उनके सुपुत्र ने कहा कि हम अभी और कोई प्रकाशन नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको यहीं पे बंद कर दीजिए। तो फिर चूंकि मैं अजित कुमार जी से बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ था, कविताएं लिख करके मैं उनके घर चला जाता था। अच्छा। और मैं उनको कहता था, दादा एक कविता सुनाऊं, आ जाओ पहले चाय पियो। अरे अजित कुमार जी हमारे प्राध्यापक रहे, मुझे पढ़ाया उन्होंने मास्टर्स में। तो शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि हमारे और आपके बीच में एक सेतु का काम अजित कुमार भी करेंगे, क्योंकि उनके बारे में आप भी बहुत कुछ जानती हैं। अभी सबसे आपने प्रणाम, स्नेहमयी चौधरी का भी आपने नाम लिया, कोलीग रही जानकी देवी में, दोनों अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे और साहित्य के उन पुरोधाओं में से थे जिनका भारतीय साहित्य में सही मूल्यांकन नहीं हुआ है। जी, मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं आशीष जी, आप तो जानते हैं जी। तो आज जो कविता लिखी जा रही है उसमें आपको लगता है कि लोगों का जो सही लोग हैं वो सामने आ पा रहे हैं, क्योंकि आप दो दो पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं भारत में भी और यूके में भी, तो आपको प्रतिभाएं स्थानीय मतलब देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रही, तो उसके बारे में आप बताएं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। भारत में क्या हुआ है कि कविता को फैशन बना दिया गया है। अच्छा। जिसे साहित्य की दुनिया में आना है, पहले भी होता रहा है, वो कविताओं से ही शुरुआत करते, ऐसी एक परंपरा रही है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जब से अनएडिटेड मीडिया का दौर चला है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपके पास ब्लॉग्स हैं, तो आप जो अपनी चीजें लिखते हैं उसका मूल्यांकन खुद कर लेते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, और उसको आप उस प्लेटफॉर्म पे देते हैं जो वैश्विक है। जी, जी। तो हो क्या रहा है कि आपकी रचनाएं लोकल लेवल पे तो जानी नहीं जाती, लेकिन आप ग्लोबल कवि के रूप में स्थापित। आपने बहुत अच्छा बताया, लोकल से ग्लोबल का, लोकल से ग्लोबल, आप लोकल बिल्कुल आपको कोई नहीं जानता आपके पड़ोस में, लेकिन आप ग्लोबल हो गए हैं। जी जी। और ये एक बहुत बड़ा संकट है हिंदी साहित्य के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और खास करके कविताओं के लिए। असल में कविता क्या है, कविता के बारे में मेरे अपने कुछ नितांत निजी विचार हैं।
मैं कविता पे बात करने से पहले कहूंगा साहित्य क्या है जी। साहित्य का मतलब है लोक रंजन से लोक मंगल तक की यात्रा। सही है, बिल्कुल। साहित्य जी, साहित्य जो हित में हो, जनमानस हित में हो, वही साहित्य। और लोक रंजन से ये बात शुरू होती है और लोक मंगल तक जो साहित्य बिल्कुल पहुंचता है या पहुंचा दिया जाता है या समाज को लोक मंगल के रास्ते पे जो ले जाने का काम करता है वो असल में साहित्य है। जी जी। साहित्य जीवन के परिष्कार को और परिष्कृत करने की विधि है। बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत सुंदर कहा। और जो कविता है जी, वो उस लोक मंगल के मार्ग को प्रशस्त करने की प्रथम विधा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसलिए जो प्रथम विधा है यानी जो पहला कदम है यानी उस रास्ते पे हाईवे पे पहुंचने से पहले की जो पगडंडी है अगर वो भटक जाए, उसमें भटकाव हो जाए, उसकी लय गति स्थिरता विचारशीलता अगर वो खत्म होने लगे, तुक मंदी तुक मिजाजी अगर इसको हम कविता कहने लगे तो स्थिति सचमुच भारत में गंभीर है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, खास करके उन मंचीय कवियों का बहुत बड़ा दोष है इस देश में जो कुछ पैसों के लिए, कुछ लोकप्रियता के लिए पैरोडी टाइप और इस तरह की चीजें जो बना करके टीवी में आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन वाला वो लोग कवि नहीं है। ये हम लोगों ने अभी, मैंने कुछ दिनों पहले आलोक श्रीवास्तव जी से भी बात करी थी क्योंकि वो मंचीय कवि भी हैं और दूसरे, और उन्होंने भी यही बात कही कि ये गड़बड़ मामला है जिसका सुधार होना बेहद जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही साथ, मतलब हम ये काम तभी कर सकते हैं जब हम उस प्रकार का समाज भी साथ के साथ ही तैयार करें। तो आपने यूके के आधुनिक साहित्य, यूके के माध्यम से आप बता रहे थे कि एक पूरा समाज आप तैयार कर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं और वो भी बर्मिंघम जैसे शहर में, तो आप उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं ताकि कैनेडा में भी हम लोग कुछ इस प्रकार के कार्य करके अपने बच्चों को भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति से और अधिक जोड़ पाए। जी बिल्कुल, मैं यूके के साहित्य के बारे में आपको जरूर कुछ बताना चाहूंगा क्योंकि यूके के हिंदी साहित्य पे ही मेरी पीएचडी है। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे जिसको कहते हैं कि सब कुछ रिसर्च किया जा चुका है जी, सब शोध हो चुका है। अच्छा। जो चीज ज्ञात है उसी में से नई चीजों को निकालना रिसर्च है। बिल्कुल सही बात है, ज्ञात में से ही हम निकालते हैं। जी। तो जब मैंने यूके में अपने कदम साहित्य की दुनिया में बढ़ाना शुरू किया तो वहां पे मुझे पता चला, मैंने सबसे पहले कहानियों से काम शुरू किया कि यहाँ कहानियां कौन कौन लिख रहे हैं, उपन्यास कौन लिख रहे हैं, मतलब ऐसी विधा में बहुत सारे लोग मेरी दृष्टि में 50 से 60 लोग हैं यूके में, काफी काम जो हिंदी साहित्य को लेकर के गंभीर है, गंभीर अपना काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने सोचा आखिर कहानियों की शुरुआत यूके में कहां से हुई होगी, क्या तेजन शर्मा से हुई, उषा राजे सक्सेना से हुई, दिव्या माथुर से हुई, या फिर ऐसे किसी और व्यक्ति से हुई, या उन सबसे पहले जिन्होंने यूके में हिंदी साहित्य को उठाने में या उसको एक सड़क पे लाने में जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, उसमें लक्ष्मीबल सिंघवी का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने साहित्यिक चेतना खास करके हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही अलग जगाया, एक मशाल के रूप में उनको, ऐसा हम कह सकते हैं कि अग्रसर के रूप में हम उनको याद कर सकते हैं। एक नेतृत्व मिलता है तो लोग सक्रिय हो जाते हैं। पर जब मैंने पीएचडी शुरू किया तो मुझे पता चला कि इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने हिंदी कहानी का मूल यानी शुरुआत यूके में किया हो। अच्छा। बहुत खोजबीन के बाद मुझे पता चला डॉक्टर कृष्ण कुमार के माध्यम से कि तुम्हें मैं एक व्यक्ति का नाम दे रहा हूँ, उसके बारे में पता करो। उन्होंने कहा कि धनीराम प्रेम नाम का एक व्यक्ति हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने तो साहित्य की दुनिया में कभी नहीं सुना, बिल्कुल ऐसा नाम जो कभी सुना ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं बीमार हूँ, मैं बहुत ज्यादा कुछ उपलब्ध नहीं करा सकता हूँ, लेकिन तुम जब दिल्ली जाओ तो चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में जाना। अच्छा। और 1929 का चांद का अंक निकालना, मई का 1929 के मई के अंक में चांद पत्रिका के अंक में एक कहानी छपी है, उस कहानी का शीर्षक है डोरा और उसके लेखक का नाम है धनीराम प्रेम और वो स्कॉटलैंड में रहते थे और उन्होंने हिंदी कहानी की बुनियाद वहां से शुरू की है, जो आज है। की तारीख में मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ शैलजा जी,
कि ब्रिटेन में रहने वाले कोई साहित्यकार उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेना नहीं चाहते या जानते नहीं है, दोनों चीजें हैं। कुछ लोग जानते भी हैं, अच्छा। पर लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो उनको जो माइलेज मिला है वो उसके धनीराम प्रेम की 1929 में लिखी गई कहानियों से, लगभग 27 कहानियां उन्होंने लिखी थी, उससे उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो लोग आज की डेट में क्या है कि अपनी आलोचना और मूल्यांकन से घबराते हैं, तो ये सोचते हैं कि चलो एक चैप्टर बंद है उसको बंद रहने दो। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जब किसी चीज के पीछे पड़ता है, और फिर आपका शोध का काम, मेरे शोध का काम है जी, जी। और मैं कृष्ण कुमार को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने वो जानकारी मुझे दी जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। इतिहास कितना पुराना हो गया जी, तो 1929, लगभग 100 वर्ष होने को है, 9 वर्ष रह गए हैं सर, 9 वर्ष रह गए। तो पहली कहानी यूके में जो लिखी गई और जो सार्वजनिक रूप से भारत की पत्रिकाओं में छपी, एक प्रवासी रचनाकार के नाते उसके शताब्दी वर्ष समारोह मनाने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत बढ़िया। अब मुझे शॉर्ट में आज के कवि भी बताइए जो यूके में जो 400 बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। देखिए अभी क्या हुआ कि जब मैं बर्मिंघम आना जाना शुरू हुआ, मेरी बहन वहां चूंकि पढ़ाती है तो एक मेरा स्थायी ठिकाना हो गया, और साल में मैं 3-4 बार वहां जाता हूँ, 15-15 दिन रहता हूँ। तो मेरा जो मूल मकसद था कि भारतीय संस्कृति, सब लोग कहते हैं कि संस्कृति सिमट रही है, मिट रही है, तो कैसे सिमट रही है, क्यों मिट रही है, कौन सिमटा रहा है और कौन मिटा रहा है। जी जी जी। निष्कर्ष ये निकला कि मैं सिमटा रहा हूँ और मैं ही मिटा रहा हूँ, मैं दोष नहीं देता किसी को। जी, जी। मैंने क्या प्रयत्न किया, सही बात है, मैं अपना आकलन करूंगा, मैं शैलजा जी का आकलन बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इस नियम के तहत मैंने अपनी बहन को बताया कि हम ऐसा करना चाहते हैं और तुम इसके साथ आओ जी, जी। तो दोनों ने मिलकर के पिन कोड के हिसाब से 8-8 परिवारों का एक संगठन बनाया, अच्छा। जो लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य के प्रति उदार थे जी, जी, जी। बहुत से ऐसे लोग थे जो उन्होंने मुझसे कहा कि हम IIT से पढ़ के आए हैं, हम IIM से पढ़ के आए हैं, मैंने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डॉक्टर की डिग्री ली है, MBBS हूँ, मैं तुम्हारे इस प्रेमचंद और कालिदास में क्यों पढ़ूंगा। तो मैंने कहा कि देखिए आपको एक बहुत छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, आप ज्ञानी थे कि आपकी माता जी, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ, मैंने कहा आपकी माँ ज्ञानी थी या आपकी नानी जी, तो उन्होंने कहा मेरी नानी, मैंने कहा वो कितनी पढ़ी लिखी थी, अरे वो तो पता नहीं, मैंने कहा आपकी माँ मैट्रिक पास, मैंने कहा और आपकी परनानी या परदादी ज्यादा ज्ञानी थी कि आपकी दादी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी परदादी तो पूरा रामचरितमानस ही बोल देती थी। मैंने कहा बिना पढ़े लिखे, एक आपने उनको पकड़ाया छोड़ परंपरा, मैंने कहा आप उस परंपरा के वाहक हैं जिसमें रामचरितमानस आपकी परदादी को याद था, आपकी दादी को उसकी कुछ चौपाइयां याद रह गई, आपकी बेटी को उसके दो श्लोक याद रह गए और आप शून्य हैं जी, जी, जी। तो हम ये चाहते थे कि सभी, मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा, जो हिंदू परिवार थे जो वहां पे अपने आप को, आजकल थोड़ा इंग्लैंड में भी फैशन परस्त हो गए हैं, बहुत अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं, उनके बीच में मैं चाहता था कि इस प्रवृत्ति को जैसे योग ने स्थान दिया, संस्कृति को भी हम घुसाएं, साहित्य को भी घुसाएं। सही बात है। तो इसमें जब मैंने प्रयास किया तो शैलजा जी इतना अच्छा रिजल्ट आया कि आज हर शुक्रवार की शाम को बर्मिंघम में सत्संग ग्रुप है जिसका नाम मैंने अंतर्ध्वनि रखा था, अच्छा। और अब वहाँ के किसी एक सार्वजनिक स्थान पे ये होता है जिसमें वो बच्चे भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को उनको याद कराया जाता है, उसके भावार्थ उनको बताए जाते हैं, और हमने उसके बुकलेट्स बनाए हैं, छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाई हैं जो उन बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। और सबसे कमाल की बात, इस प्रश्न के उत्तर में मैं आखिर में ये बात कहूंगा कि भारतीय उच्चायोग आज जब भी बच्चों को कोई कार्यक्रम करना हो तो उनके पास सिर्फ एक ही संगठन है, अंतर्ध्वनि, जहां से वो बच्चों को कहते हैं आप आइए और हमारे कल्चरल डिप्लोमेसी को यहाँ पे दिखाइए। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा वहां पे, ये हमारी उपलब्धि है। और वहां पे जो प्रमुख लोग हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्रेडिट मैं लूंगा, वहां पे जो लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं उसमें KK सिंह, गीता सिंह, राखी बंसल, अमित बंसल, खुद कृष्ण कुमार जी अस्वस्थ रहने के बाद भी जी, जी। वो लोग इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, गीतांजलि भी उसके साथ जुड़ गई है, और आज लगभग हमारे पास 40 ऐसे बच्चे हैं जो सृजनात्मक रचनात्मक लेखन में आ चुके हैं। बहुत
बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमेशा हम सुनते हैं कि भाई दूसरी पीढ़ी का क्या योगदान है, और खास तौर से प्रवासी जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको दूसरी पीढ़ी का भविष्य कम दिखाई देता है क्योंकि वो लिख पढ़ नहीं रहे। तो आपका ये प्रयास बहुत ही बढ़िया है। मैं तो सोचूंगी कि और कहूंगी, आपसे निवेदन करूंगी कि आप कनाडा में भी ऐसा कुछ शुरू कर लीजिए तो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। जी, जी, जी। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाती हूँ आपको, और एक प्रश्न करके उसके बाद मैं आपकी कविताएं सुनना चाहूंगी। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने इतने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन अपने आप उसमें उपस्थित रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और खुद भी करवाए हैं आपने। आजकल जो अभी भी, क्योंकि मैंने यहाँ आकर के इंद्रप्रस्थ कॉलेज का और हंसराज कॉलेज के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी सम्मेलन हुआ उसकी मैं उपस्थित हुई, बहुत अच्छा वातावरण, बहुत सब बातचीत हुई, बहुत वैश्विक परिदृश्य में हिंदी का हम कोई मानकीकरण कैसे कर सकें, शिक्षा पद्धति कैसे बना सकें, इन सब चीज़ों पर बहुत विद्वान लोगों ने बातचीत करी। यही सब बातचीत और भी जगह होती है। मैंने 1914 और 15 में न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में भी अटेंड किया था। हम बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्यक्रम हम ऐसा विकसित कर पाए हैं? क्योंकि समय तो लगता है, तो ठीक है अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या कोई कार्यक्रम विकसित करने की ओर हम लोग बढ़ पा रहे हैं? आपकी अपनी क्या इस बारे में राय है इन सम्मेलनों के माध्यम से? देखिए, अगर आप मुझसे एक पंक्ति में कहेंगी तो मैं ये कहूंगा कि हिंदी बाजार से अछूती नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और कोई भाषा तभी बचती है जब वो बाजार की भाषा, हाँ, हाँ, व्यवसाय से अगर नहीं, रोजगार की भाषा तो नहीं, नहीं, सही बात है, बिल्कुल। सौभाग्य की बात है कि पिछले 6 वर्षों से इस देश में एक ऐसी सरकार है जिन्होंने हिंदी में काम करने के प्रति जागरूकता दिखाई है। जी, ठीक है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो लोग उस स्थान पे बैठे हुए हैं उनमें भारतीयता के पुट ज्यादा हैं या भारतीय संस्कृति के प्रति ज्यादा निष्ठावान हैं। और दूसरी बात यह होती है जो गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत को स्वतंत्र कराना है तो इसके लिए एक भाषा की जरूरत पड़ेगी जो गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु नहीं हो सकती। जी, 46% से अधिक जो है वो हिंदी है। तो हिंदी को ही एक सूत्र में पिरोने के लिए भाषा के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा ताकि हम भारत को आजाद कर सके। उसके बाद से आप लगातार, मैं बीच के इतिहास को नहीं लूंगा, लेकिन आप अगर आप लगातार पिछले 70 वर्ष के इतिहास को देखेंगे तो भाषा हमारे यहाँ राजनीतिक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल की गई है। दक्षिण के लोगों ने अपनी भाषाओं को सत्ता के शिखर पर पहुंचने का सीढ़ी बनाया है। पूर्व के लोगों ने भी यही किया है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो या नॉर्थ ईस्ट, वहां भी यही किया गया है। और जहां तक सवाल उत्तर का है तो पंजाब में भी यही हुआ है, हरियाणा में भी यही हुआ है, और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो ऑफिशियली भारत सरकार के सेंसस के अनुसार आप देखेंगी तो 54% लोग हिंदी बोलते हैं 2011 के सेंसस में। पर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है और विश्व के भी बहुत सारे देश देखे हैं, पर भारत की स्थिति यह है कि भारत में लगभग 85% लोग हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दक्षिण भारतीय लोग अपना हिंदी में बातचीत करते हैं, दक्षिण भारतीय हिंदी में, चूंकि मैंने दक्षिण भारत से ही एमफिल पीएचडी किया है। अच्छा। तो मुझे तो, मैं कभी किसी थ्री व्हीलर वाले को या किसी बस या किसी टैक्सी वाले को अंग्रेजी में नहीं बोला, मैंने उनको हिंदी में बोला और उन्होंने मुझे अपनी सही जगह पे पहुंचा दिया। और उन्होंने हिंदी में ही मुझसे पैसे की भी डिमांड की, अंग्रेजी में उन्होंने नहीं कहा। तो हिंदी की जो पहुंच है भारत में वो घर घर में है। समस्या ये है कि जो आपका मूल प्रश्न था सम्मेलनों में हम लोग जो सम्मेलन, जो विश्व हिंदी साहित्य परिषद की तरफ से हमने 9 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए हैं, 1975 से लगातार भारत सरकार विश्व हिंदी सम्मेलन कर रही है, जो पहले 4 वर्षों पे होता था, अब 3 वर्ष पे होता है। पिछली बार मॉरिशस में हुआ था और मुझे इस बार गौरव प्राप्त था कि मैं विदेश मंत्रालय की तरफ से नोडल अफसर था इस सम्मेलन। और आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, मैंने अपने दर्शकों को नहीं बताया कि आपको बहुत ही सारे सम्मान, लगभग 23-24 सम्मान आपको मिल चुके हैं, इतनी लंबी बड़ी फेहरिस्त है वो। हो क्या रहे कि सम्मानों के बारे में मैं ये कहूंगा कि जब वो लोग सम्मान देने के लिए किसी को ढूंढते होंगे तो हो सकता है कि मेरा काम उनसे 20 मिल जाता होगा, पर ये सम्मान जो है ना, ये
जितने आपको मिलेंगे उतने आपकी आपका जो बोझ है वो बढ़ गया है, आपका दायित्व बढ़ गया है। बिल्कुल वो सही बात, सही हम सम्मान को इस रूप में लेते हैं कि मेरा दायित्व समाज के प्रति दुगना हो गया। जी। और जो अभी सम्मेलनों का एक फैशन सा हो गया है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपने कुछ कार्यक्रम विकसित हो पा रहे हैं क्या? मूल में कुछ नहीं निकल रहा, जो मूल है कि हम इन सम्मेलनों के माध्यम से हम चर्चा में रहते हैं, हम बहुत बड़े हिंदी सेवी कहलाते हैं, हमारा वैश्विक स्तर पे नाम हो जाता है, लेकिन सचमुच में भाषा की भलाई के लिए, भाषा के संरक्षण और प्रतिष्ठा के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमारी बात, हमारे यहाँ प्रस्ताव जो पारित होते हैं वो उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है जो नीति नियंता है। पर ये भी है कि क्या एकमत होके कोई प्रस्ताव पारित हो पाते हैं? नहीं, हिंदी में विडंबना ये है कि सबकी अपनी अपनी डफली है और अपना अपना राग है। मेरे ख्याल में भाषाओं में होता है ये, लेकिन पता नहीं हिंदी में, हम हिंदी के बारे में जानते हैं, मैं तो हिंदी के बारे में ही बात करूंगा। और यहाँ भी बहुत सारी चीजों को खांचों में बांट दिया गया है, जिसमें हिंदी साहित्य के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ी मुसीबत हिंदी साहित्य के लिए उसको विमर्शों में बांटना है। जी। उसकी समग्रता को समाप्त करके, उसकी महत्ता और गुणवत्ता को समाप्त करने का अगर कोई तरीका भारतीय साहित्यकारों ने, भाषाविदों ने ढूंढा है तो वो है विमर्श। जी, अब सम्मेलन विमर्श भी हो जाए सम्मेलन माध्यम से कि भी कुछ प्रस्ताव पारित हो, अगर एकमत हो करके तो काम कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी चर्चित संगठन है भारत के हिंदी के, सब एक मंच पे आए। विश्व के जितने बड़े संगठन हैं या विश्व के वो बड़े जितने लेखक हैं जो खुद एक संस्था के रूप में अब जाने जाते हैं, वो सब एक मंच पे आए और हिंदी के वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए, यूएन में हिंदी भाषा के रूप में स्वीकृत हो उसके लिए, और भारत में जो संघर्ष अभी तक भाषा के लिए चल रहा है, यानी हम राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे, एक कदम नहीं बढ़े हम आज तक 72 वर्षों में, तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो एक परिषद, विश्व हिंदी साहित्य परिषद, या एक कोई कॉलेज, या फिर कोई एक और संस्था अकेले अकेले नहीं कर सकती। समग्र रूप से भारत में आवाज नहीं उठाया जा रहा है। और मैंने जो कहा कि कभी लघु कथा का सम्मेलन होता है, कभी कहानियों का, कभी कविताओं का, कोई ऐसा सम्मेलन नहीं होता है जिसमें राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर चलने के लिए हम संकल्पित हों। इसलिए जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो हिंदी के लिए हिंदी वाले हैं। हाँ, प्रायः यही कहा जाता है, यही सुनने में आता है, मतलब हम यही कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत सारे सम्मेलन आयोजित करते हैं। जी, तो जी। कुछ पहल करके इस हम लोग, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, हमारा जो सम्मेलन है, जो हम लोगों ने अभी तक 9 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए हैं, उसमें हमें सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम जिस देश में एक दिवसीय हम सम्मेलन करते हैं, क्योंकि आर्थिक बोझ हम उठा नहीं सकते, वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी हो या ICCR हो या फिर भारत सरकार का कोई संस्थान हो जो हमारे साथ मिल करके करे। और ऐसा 9 बार में 5 बार हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं हंगरी को याद करता हूँ, जब एल्ते विश्वविद्यालय और भारतीय उच्चायोग ने कहा कि पूरे सम्मेलन की जिम्मेवारी हमारी है, और मारिया निजेशी से बातचीत के समय में एक अद्भुत बात का भी पता चला जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। जी। कि मारिया जी ने मुझसे पूछा कि आशीष तुम्हारी उम्र कितनी, मैंने कहा 45 वर्ष, तो मैंने कहा मारिया जी आपकी, तो बोली मैं 74 वर्ष की हूँ। मैंने कहा अच्छा 74 वर्ष की, आप रिटायर नहीं? बोली मैं जब तक काम करना चाहूंगी मैं रिटायर नहीं हो सकती। हाँ, जी, और मैं विभाग की अध्यक्ष हूँ। मैंने कहा कितने वर्ष से? बोले जितने वर्ष तुम्हारी उम्र है। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। जी, मैंने कहा फिर आपके यहाँ डिपार्टमेंट कितना पुराना है हिंदी का? तो बोले तुम अनुमान लगाओ, एल्ते विश्वविद्यालय हंगरी में हिंदी का डिपार्टमेंट, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट कितना पुराना है। जब उन्होंने ये खुलासा किया तो हम सब हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा लगभग 150 वर्ष हो गए। 150 वर्ष, बहुत काम करने की जरूरत है। ये सब जानकारी एक जगह आनी चाहिए ताकि दुनिया में बैठे हुए हिंदी प्रेमी लोग इन बातों को जान सकें कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। और इसी में मैं आपको एक आगे जानकारी दूंगा कि टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी का डिपार्टमेंट 1908 से है। वाह। और टोक्यो में, जापान में जो
हिंदी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, जो हिंदी का चैनल है रेडियो का, वो 1940 से निरंतर चल रहा है, एक मिनट के लिए बंद नहीं हुआ है। क्या बात है, क्या बात। तो हम ये कहते हैं कि जब वैश्विक स्तर पे हमसे वो लोग जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है, किसी और देश के मूल निवासी है, वहां इंडोलॉजी का डिपार्टमेंट 150 वर्षों से चल सकता है। जापान में 1908 से निरंतर काम हो रहा है, और भारतीय संस्कृति के जितने मूल ग्रंथ हैं सबका अनुवाद उन्होंने जापानी भाषा में कर लिया। ऐसी स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं, ये आकलन करने की जरूरत है, और सिर्फ आकलन ही नहीं, शैलजा जी, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही, और आपकी कविताओं में भी, आपकी रचनाओं में मैं जो पढ़ती हूँ, वो भी मुझे उनमें ये बात सुनाई देती है। कि आप अपनी कोई एक कविता पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सीमा रहती जी, है हाँ। तो इस वजह से मैं कार्यक्रम की समाप्ति यहाँ करना चाहूंगी, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगी कि ये सारी जो जानकारी मुझे आशीष जी से मिल रही है, और यहाँ जो मुझे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, हम उसे किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर लाने की चेष्टा करेंगे, ताकि भारत से बाहर और दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जब हिंदी के बारे में, हिंदी कार्यक्रमों के बारे में दुनिया के किसी देश में जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो उसे यह जानकारी आसानी से सुलभ हो। तब हम सभी मिलकर यह गर्व कर सकेंगे कि हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी कितना कुछ आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। तो आप तैयार नहीं थे? मैंने सोचा ही नहीं था कि आप कविता के लिए भी कहेंगी। आपने तो फेसबुक पर आज ही सुबह डाली है कविता। हाँ, मैं वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बस। या कोई और कविता जो भी आपके आसानी से सुलभ हो और आपको पसंद हो। जी 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 जी, मैं फिर कवि से कविता सुने बिना अगर हम जाने दे तो थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगता है। इस वजह से मैं आपको एक कविता जो मुझे पसंद है, वैसे तो मैं वो सुनाना चाहता था जो मैंने अभी परसों लिखा था, पर मैं एक कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। जी। इंसानी भगवान का जन्म। जी, शीर्षक से ही उसका व्यंजना पता चलती है। हमारे यहाँ कविताओं में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, और आजकल पत्थर सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गई है हमारे यहाँ। जी। ठीक है, तो 21वीं सदी में अगर किसी खास चीज के लिए भारत को याद किया जाएगा, तो पहले दो दशक पत्थरों के लिए भी याद किया जाएगा। तो मैंने उस पत्थर को प्रतीक के रूप में रखा है, और एक कविता लिखी है कि जब आंसू बड़े हो जाते हैं, जब आंसू बड़े हो जाते हैं तो क्या पत्थर भगवान बन जाते हैं, जब आंसू बड़े हो जाते हैं तो क्या पत्थर भगवान बन जाते हैं। तुम्हें पता है सदियों ज्वालामुखी में जलकर बूंद बूंद करके पिघलता है, टपकता है, जमता है, तब पत्थर बनता है। सदियों ज्वालामुखी में जलकर बूंद बूंद पिघलकर टपकता है, जमता है, तब पत्थर बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि वह पत्थर पंक्तिबद्ध किसी गुफा में सिर्फ पत्थर ही रहता है, मौन, और सिर्फ मौन। सही, आपको आश्चर्य होगा कि वह पत्थर पंक्तिबद्ध किसी गुफा में सिर्फ पत्थर ही रहता है, मौन, और सिर्फ मौन पत्थर, जब तक कोई इंसान उसे छू नहीं देता। बहुत सुंदर बात। जब तक कोई इंसान उसे छू नहीं देता, पत्थर पत्थर ही रहता है, मौन और सिर्फ मौन धारण किए, मौन और सिर्फ मौन धारण किए। जानते हो इंसान का हाथ हमेशा पवित्र नहीं होता, जानते हो इंसान का हाथ हमेशा पवित्र नहीं होता, और एक बात, हमेशा अपवित्र भी नहीं होता। जानते हो इंसान का हाथ हमेशा पवित्र नहीं होता और हमेशा अपवित्र भी नहीं होता। हमारी हथेलियों से रिश्ता पसीना वास्तव में पत्थर का हत्यारा होता है। अच्छा। हमारी हथेलियों से रिश्ता पसीना वास्तव में पत्थर का हत्यारा होता है। जब इंसानी उंगलियां उसे छूती हैं, काट देती हैं, तराश देती हैं, कर देती हैं पत्थर की हत्या, तब होता है इंसानी हाथों से भगवान का जन्म। बढ़िया। जब इंसानी उंगलियां उसे छू लेती हैं, काट देती हैं, तराश देती हैं, कर देती हैं पत्थर की हत्या, तब होता है इंसान के हाथों से भगवान का जन्म। और फिर वही आदमी उसके दर पर सर पटकता है और कहता है,
तूने मेरे साथ अन्याय किया है। बढ़िया है कि एक पूरे व्रत आपने किया। फिर वही आदमी उसके दर पर सर पटकता है और कहता है तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, पर वो मौन रहता है पुराने पत्थर की ही तरह। पर वो मौन रहता है पुराने पत्थर की तरह, पर आदमी उस मौन के धर्म के लिए पत्थर चलाता है। वाह। पर आदमी उस मौन धर्म के लिए पत्थर चलाता है और कर देता है आदमी की हत्या, और कर देता है आदमी की हत्या। फिर आदमी फिर निकलता है भगवान की तलाश में, आदमी फिर निकलता है भगवान की तलाश में, और पत्थर के किसी गुफा में खुद को मौन कर देता है सदियों, और पत्थर की किसी गुफा में खुद को मौन कर देता है सदियों। आंसू सूख जाते हैं, जम जाते हैं, और वो आदमी हो जाता है पत्थर, वो आदमी हो जाता है पत्थर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, ये पूरी यात्रा पर, आप समय की यात्रा पर, मनुष्य की यात्रा पर, उसकी प्रवृत्तियों की यात्रा पर आप ले गए हमको, और आपने हमसे बहुत सब बातचीत की, बहुत सारे आपने काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, और हमें आशा है कि हम लोगों का जो ये बातचीत है और साथ ही कुछ मिलकर काम करने की जो उत्साह है हम लोगों का, देश से विदेश, लोकल से ग्लोबल, वो चलता रहेगा। तो मैं आज के लिए यहीं पर कार्यक्रम रोकती हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप निरंतर साहित्य की दुनिया में इसी तरह आच्छादित रहें और प्रेम की वर्षा करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला हमारा हंसराज कॉलेज में किया गया एक कार्यक्रम रिकॉर्डिंग, जिसमें हमने डॉक्टर आशीष कांधवे जी से बातचीत की। मेरी ये बातचीत अब आगे कुछ लेखकों से चलती रहेगी, ताकि मैं ये सारे बातचीत आप लोगों के पास लेकर आ सकूं, यही मेरा प्रयास है। अगले कार्यक्रम के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.